यूपी में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का मिशन एनकाउंटर लगातार जारी है। शहर शहर बदमाशों का एनकाउंटर लगातार हो रहा है, जिससे बदमाश डरे हुए हैं। बुलंदशहर में पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को गिरफ्तार किया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। और हमीरपुर में भी पुलिस ने बाइक रोकी तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी, फिर पुलिस ने काउंटर फायर किया और दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर गाजियाबाद से भी जानकारी है, गाजियाबाद में भी पुलिस और बदमाशों के बीच हुई है मुठभेड़, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाई तो काउंटर फायर में यहां भी दो बदमाश घायल करके गिरफ्तार कर लिए गए हैं। जबकि ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने मनी ट्रांसफर करने वाली एक दुकान में घुसकर लूट करने वाले बदमाश को मुठभेड़ में घायल करके गिरफ्तार किया। ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बदमाशों की शामत किस तरीके से आई है, इन चार तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं शहर शहर किस तरीके से बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बुलंदशहर, हमीरपुर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा की ये चार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कहीं पर बदमाशों को दबोच लिया गया तो कहीं पर इनके साथ ही अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले हैं। जिन तक पहुंचने के लिए भी पुलिस ने टीम गठित की है, उनको भी जल्द ही दबोचा जाएगा, पुलिस ये कह रही है। देखिए, बुलंदशहर में भी बदमाश को पकड़ा गया है, यहाँ पर भी एनकाउंटर के दौरान एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में दो बदमाश यहाँ पर भी गिरफ्तार किए गए हैं और दोनों पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जो गाजियाबाद में बदमाश पकड़े गए हैं। और ग्रेटर नोएडा से भी जानकारी है, मुठभेड़ में एक बदमाश को यहाँ से भी गिरफ्तार किया गया है। तो अलग अलग हिस्सों में बदमाशों की किस तरीके से खैर नहीं है, ये आप समझ लीजिए। दो टूक ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि कहीं पर भी इस तरीके से बदमाश एक्टिव होंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, पुलिस सक्षम है उन तक पहुंचने में। और ये चार तस्वीरें वही तस्दीक कर रही हैं।